आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे रिटर्न्स कैसे चेक करते हैं। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। पहले अपने फ्लिपकार्ट का जो सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेंगे और इस तरीके से होम पेज खुल जाएगा। फिर ऑर्डर्स पे जाएंगे, फिर रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। अब रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिटर्न्स का डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये अप्रूव्ड, इस अप्रूव्ड में वो होता है जो आपके रिटर्न्स अप्रूव हो गए हैं, ठीक है। इन ट्रांजिट पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टेटस बताएगा रिटर्न का, इसकी पिकड अप वाले ये वो रिटर्न है जो पिकअप हो चुके हैं। आउट फॉर डिलीवरी वाले ये वो होंगे जो मतलब आपके पास पहुंचने के लिए डिलीवरी के लिए आउट हो चुके हैं, ठीक है ना। जैसे आप ये इन ट्रांजिट में पिकड अप ये वाला रिटर्न देख सकते हैं, ये ऑर्डर है पिकअप हुआ है, ठीक है। और रीज़न भी बताते हैं, सबसे पहले तो ये बताते हैं कि टाइप कौन सा है, कुरियर रिटर्न है कि कस्टमर रिटर्न है। कुरियर रिटर्न है इसका मतलब होता है कि कुरियर वाले वापस लाने, कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। और बाकी डिटेल भी बताते हैं, जब बताते हैं कि ऑर्डर कैंसिल किया गया ऐसे रिटर्न आ रहा है। और भी आपको डिटेल एक्सपेंड करनी है, शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे ऐसे पूरी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड में वो है जो रिटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही है रिटर्न्स चेक करने में, कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है ना। जैसे रिटर्न पिकअप हो गया, अभी आउट फॉर डिलीवरी जब आएगा यहाँ पर स्टेटस शो हो जाएगा, ठीक है। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेचुरली दिखाई देंगे, ठीक है। फिर इतना ही था।